डॉक्टर्स द्वारा मरीज के परिजनों से की गई मारपीट के मामले में कार्यवाही नहीं होने से नाराज परिजनों ने सोमवार रात संयोगितागंज थाने का घेराव किया। परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिन में कार्यवाही नहीं हुई तो फिर वे धरना भी दे सकते हैं। मामला प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमवाई से जुड़ा है, जहां पिछले दिनों इलाज के लिए आए मरीज के परिजनों के साथ डॉक्टरों ने जमकर मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष सभी जगह कर चुका है, लेकिन कार्यवाही नहीं होने से नाराज परिजन संयोगितागंज थाने पहुंचे और घेराव करते हुए कार्यवाही की मांग की। पिटाई का शिकार हुए लोगों ने कहा कि अगर दो दिन में पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी तो फिर धरना भी दे सकते हैं। ये 10 दिन पहले का मामला है, एमवाई हॉस्पिटल का मामला है। ये डॉक्टरों द्वारा हमारे मरीजों को और मरीजों के परिजनों पे मारपीट का आरोप लगाया था, जिसमें हमारी चेन भी गई थी वहाँ पे। टीआई साहब के पास, डीआईजी साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, कलेक्टर साहब के पास सभी का आवेदन दे दिया गया, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पर हम जब भी आते हैं यहाँ बोला जाता है कि वो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप बड़े अधिकारी के पास जाइए, वहाँ से प्रेशर आएगा तब हम कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद जब भी वहाँ जाते हैं तो वहाँ से भी यही बोला जाता है कि हमने थाने पे फ़ोन लगा दिया, थाने पे कार्रवाई होगी, पर यहाँ जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं। आज 10 दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए हम ये आवेदन आज ज्ञापन लेके आए हैं यहाँ पर। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर यहाँ आंदोलन हो सकता है। टीआई साहब को आपने ज्ञापन दिया है, क्या उन्होंने बताया? टीआई साहब का अभी भी यही कहना है कि हम जाँच कर रहे हैं, अभी फुटेज नहीं मिला है उनके खिलाफ, कौन से डॉक्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर फुटेज मिलेगा तो। पर अभी भी यही बोल, टाइम का पूछा तो उन्होंने यही बोला कि अभी टाइम का कुछ नहीं कह सकते, 2 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। पर हमारी तरफ से अगर 2 दिन में हमें अगर ऐसा लगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है तो यहाँ पर आंदोलन हो सकता है। कर्णी सेना द्वारा राघवेंद्र सिंह चौहान।